तो आज वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर एप्लीकेशन के बारे में, कैसे इसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उसके अंदर आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आज वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर वीडियो भी शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप जिस तरीके से एक इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेना। जिस तरीके से आपको यहाँ पर सेटिंग जाएंगे, आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ जिस तरीके से आपकी सेटिंग्स जो सेम होगी, कि जिस तरीके से आपकी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लॉन्चर वगैरह आप सेट कर सकते हो। लॉन्चर की जो सेटिंग वगैरह होती है, उसे आप सेट करते हैं। एंड्रॉइड 10 तो मतलब एंड्रॉइड 10 के जो फीचर्स होते हैं आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे एंड्रॉइड 10 गेस्चर नेविगेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आपको बैक लेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करते हैं कैसे इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने प्री सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मतलब आगे बात करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। टीम्स एक्सबॉक्स लिंक भी आपको काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉन्चर वगैरह मिल जाती है। एक्सबॉक्स की जो कुछ और जो थीम्स होती है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करें, यहाँ पर आपको कुछ टैप करके रखना है। यहाँ पर आपको जिस तरीके की आपकी सेटिंग हो जाएगी, यहाँ पर आपको लॉन्चर सेटिंग वगैरह मिल जाती है। चेंज वाले के ऊपर एडेड विजेट, यहाँ पर एड विजेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट के लॉन्चर के जो विजेट्स होंगे वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस तरीके से जो विजेट्स होंगे यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर पूरे स्क्रीन टाइम वो जिस तरीके से आप मतलब कितने दिन तक आपने मतलब कितने वक्त तक आपने अपने फ़ोन को ऑन रखा था वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आप जैसे कैलेंडर वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, क्रोम वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जिस तरीके से लॉन्च है, तो बात करते हैं कैसे से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने स्क्रीन सेक्शन में दे रखी है। तो जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जिस तरीके से क्रोम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो दोनों चैनल से उसके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर जैसे आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यूट्यूब चैनल ओपन होगा। यहाँ पर आपको दोनों चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और जैसे आप दोनों चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब करने आपको डाउनलोड जो आइकॉन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। मुझे काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी ईजी डाउनलोड करना। तो आज वीडियो में सिर्फ इतने, तो आपको अगले वीडियो में तब तक।